हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक UTL का सोलर पैनल, जो कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ और बहुत ही बिल्ड क्वालिटी के साथ ये हमको मिलता है और हम इसका यूज़ हम लेंगे। आज हमने एक मिनी DJ सेटअप का जो इस पर पूरा जो हमने चेकअप किया है और उस पर आपको चला के दिखाएंगे, इसका रिव्यू भी दिखाएंगे। अभी हम इसको ले आए हैं घर पर, ये देखिए अभी हम करेंगे इसका अनबॉक्सिंग। तो हमने यहाँ पर रख दिया है और उसके जो ऊपर जो गत्ते वाली इसकी जिसमें पैकिंग आई है वो हम इसको उतार देंगे और ये गत्ते वाली पैकिंग है वो भी बहुत अच्छी तरह से की हुई है ताकि इसमें मिट्टी वगैरह, धूल वगैरह और अगर बारिश वगैरह थोड़ा बहुत आए तो उसमें से इसको बचाव मिलता रहे और ये तकनीकी ख़राबी इसमें ना आए। वैसे तो इसकी गारंटी है वो 25 साल की देती है कंपनी, वैसे ये ज़्यादा 25 साल से ज़्यादा भी आराम से चल जाती है। दोस्तों इसका जो पूरे का ये जो वज़न है वो यहाँ पर आपको 15 kg के करीब मिल जाएगा और जो बॉक्स इसमें साथ में गत्ते वाला आता है उसका भी इसमें 200-300 ग्राम जो वेट है वो भी साथ में इसमें ऐड होता है। तो अभी पीछे से मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें 144 सेल वाला और ये मोनो क्रिस्टल वाला पैनल है, छोटा पैनल है जो कि एक 12 वोट में आता है UTL कंपनी का। तो अभी हमने इसको कर लिया है अनबॉक्सिंग और हम इसको पीछे से आपको रेटिंग वगैरह सब कुछ दिखाएँगे। अभी हमने उल्टा रखा था तो अभी हम रख रहे हैं इसको सीधा और इसकी जो ब्रांडिंग है वो दोस्तों हम इसकी UTL कंपनी का ये सोलर पैनल हमको मिल जाता है। इसकी कीमत की बात करें तो ये आपको 6 से 7 हज़ार के बीच में अपने एरिया के हिसाब से प्राइस में आपको मिल जाएगा और ये इसमें डायोड वगैरह लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छी इसका जो आउटपुट है वो हमको 18 वाट मिलेगा और इसका जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो हमको 9 point कुछ के करीब होता है, लेकिन वो धूप के अकॉर्डिंग आपको जितनी एफिशिएंसी चाहिए धूप की तो उस हिसाब से लोकेशन के हिसाब से इसको आपने शॉर्ट सर्किट करंट है जो मीटर लगाकर चेक कर सकते हैं वो मैं आपको आगे करा दूँगा। ये देखिए इसका जो रेटिंग पावर है वो 165 वाट का है पीक पे और रेटिंग जो इसका अम्पेयर है वो 18.3 है, क्लास है जो ए है इसमें और बहुत ही अच्छी और बहुत ही इसमें वायर लगी हुई है इस कंपनी का टेस्टिंग का साथ में जो इसमें लगा हुआ था एफिशिएंसी के हिसाब से कितने प्रोग्रेस और कितने पे ये काम करेगी ये सभी आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, नहीं तो इसकी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अभी इसके ऊपर थोड़ी सी हमने पानी गिर कर और अभी चेक किया था इसका शीशे का जो क्वालिटी है, आई पैनल 6.6 है जो कि अभी देखिए रेटिंग इसमें जो वोल्ट है वो आ रहे हैं 21.6। तो अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं तो 12 बजे के करीब आपको इसमें जो वोल्ट हैं वो मिलेंगे लगभग से आपको इतने मिल सकते हैं और इस पर आप आसानी से कुछ भी जो है ओपन चला सकते हैं। ये देखिए इसका स्पार्किंग जो करंट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए स्पार्किंग तो इसमें थोड़ा थोड़ा चलता है लेकिन धूप के कारण आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो अभी मैं इसका जो अम्पेयर है वो चेक करके दिखाता हूँ, छोटे वाले मीटर में आप 10 अम्पेयर तक इसमें चेक कर सकते हैं। अभी दोनों तार को आपस में टच करेंगे और फिर जो इसके मीटर में आपको जो अम्पेयर है वो दिख जाएंगे जितने भी अम्पेयर होंगे। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि 10 अम्पेयर तक कर सकें। देखिए इसमें अभी हमको मिल रहे हैं 6.14 अम्पेयर, तो इस हिसाब से आप इसके जो अम्पेयर हैं वो भी आप आसानी से इसमें चेक कर सकते हैं। दोस्तों देखिए 6.27 के करीब आपको इसमें मिल जाएंगे, अगर धूप ज़्यादा होगी तो इसमें आपको 8 के लगभग जो मैक्सिमम है वो आपको शॉर्ट सर्किट करंट आपको मिल जाएगा। तो अभी ये देखिए इसमें अभी आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा शॉर्ट सर्किट में यहाँ पर थोड़ी ब्लास्टिंग वगैरह हो रही है। अभी हम इस पर आपको मेन जो बात थी वो हम इस पर एम्प चला के दिखाएंगे। हमारे पास है 300 वोट का एक मशीन जो कि इस पर आप 2 बॉक्स चला सकते हैं और अभी हम उसमें कनेक्ट करके ये देखिए सब कुछ सेटअप है जो हमारा हमने लगा दिया है और ये यहाँ पे पैनल से जो 2 वायर आ रहे हैं माइनस और प्लस यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को हमने एम्पलीफायर के नेगेटिव पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए पीछे और ये बॉक्स वाली तार है जो कि सीधा बॉक्स में जा रही है और कहीं से हमने बॉक्स को नहीं चलाया है, वीडियो में पूरा आपको दिखाई देगा। और ये इसका जो वायर है ये लाइट वाला वायर है, ये हमने नहीं लगाया क्योंकि हम इसको सोलर पैनल पे ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो अभी आप देखिए